राधे कृष्ण दोस्तों, साधकों के भजन नियम में, उनकी नित्य दैनिक दिनचर्या में भक्त नामावली का जरूर पाठ होना चाहिए। जरूर भक्तन की नामावली जो करी है चितलाह, ताके भक्त बड़े घनी अरु हरि हो को ही सहाय। अर्थात भक्तों का जो यश है, भक्तों की जो नामावली है, भक्तों की जो गुणावली है, जो भक्तों के चरित्र है, उनका जो गान करता है, तो खास में खास बात ये होती है कि हरि को निज बसते अधिक भक्तन यश पर प्यार, तातेय यह माला रची करी ध्रुत दुल्हार। अर्थात हरि को अपने यश से भी बढ़कर अपने प्राण प्यारे भक्तों का यश प्यारा लगता है। जब कोई भक्तों की नामावली का पाठ करता है, नामावली का गायन करता है, तो बाड़े भक्ति घनी ठोस भक्ति बनती, उसके हृदय में ओली भक्ति नहीं होती कि जिसमें काम क्रोध आदि विकार आए, बल्कि गाढ़ी भक्ति बनती है जिसके लिए स्वयं हरि मदद करते हैं। भक्तों की दासत्व में बड़ी महामहिमा भय अद्भुत चमत्कार पूर्ण ये शक्ति होती है कि हरि अपने दासों से अपने भक्तों को प्यार करने वालों को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए जो भक्तों की नामावली का गान करते हैं तो उसके हृदय में घनी धूत भक्ति और प्रभु का विशेष प्यार और जितने भी अपराध पीछे हुए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अजहू सोच विचारी के गई भक्तन पद ओठ, हरि कृपालु सब पाठिली क्षमी है तेरी खोट। अर्थात जितने पीछे खोट हो गए हैं, अपराध हो गए हैं, वो सब प्रभु क्षमा कर देते हैं। यदि आप हरि भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ेंगे, भक्तों के नामों का पाठ करेंगे, भक्त नामावली का गान करेंगे, तो भक्त चरित्र पढ़ने से भजन परिपक्व हो जाता है, क्योंकि हम जब उनका भजन देखते हैं, भक्तों का प्रेम प्रभु के प्रति देखते हैं, उनकी भजन पद्धति हरि प्रेम विरह व्याकुलता नियम निष्ठा प्रभु के प्रति समर्पण ये सब देखते हैं, तो हमें लगता है कि कहाँ है मेरा भजन। भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ने के बाद सही मायने में हमें हमारी भजन की अवस्था दिखाई देने लगती है। उनका यश गान सुनने से लगता है कि उनकी तुलना से हमारा भजन तो कुछ नहीं है। फिर कुछ इस तरीके से साधक अपनी कमर कस लेता है और भजन में परायण हो जाता है, नाम जप में निरंतर हो जाता है। वो उत्साहित हो जाता है कि यदि उन्होंने हरि को प्राप्त किया तो हम भी हरि को प्राप्त कर ही सकेंगे। तो कुछ इस तरीके से भक्तों का जीवन चरित्र पढ़ने से हमारा भजन अधिक से अधिक बढ़ने लगता है। नामावली पढ़ने से हमें आभास होता है कि ऐसा अद्भुत समर्पण हमारा कहाँ है, ऐसी शरणागति हमारी कहाँ है, कहाँ है इतनी हमारी प्रभु प्रति निष्ठा। देखो भक्त जन प्रभु के लिए दिन रात रोते रहते हैं, और मैं देखो कहाँ हूँ। प्रभु के लिए कई भक्त कई दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए रहते हैं, वो दैन्य भाव से रोते हुए पुकारते रहते हैं। फिर पुनः लगता है कि कहाँ है हमारे अंदर इतना प्रेम, कहाँ हम ऐसा करते हैं। फिर हम ये सब देख के उत्साह के साथ उठ खड़े होते हैं और निरंतर भजन में परायण हो जाते हैं, निरंतर परमार्थ मार्ग पे चलने लगते हैं नियमों के साथ। इसलिए भक्त नामावली बहुत अनिवार्य है, जिसके कारण बिगड़ा हुआ भजन मार्ग पे लग जाता है, वो भी दृढ़ होके हरि की सहायता से, क्योंकि जो हरि भक्तों का गान करते हैं प्रभु स्वयं उनकी सहायता करते हैं। फिर भक्त चरित्र पढ़ने से प्रभु से अपनी आप गाढ़ा प्रेम होने लगता है। भक्त चरित्र पढ़ने से हमारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है कि मैं साधक हूँ भजनानंदी हो इस चीज का। फिर हमारे अंदर दैन्यता आने लगती है। इसलिए यदि भजन को पचाना है तो भक्त नामावली का गान, भक्त चरित्र का पठन या श्रवण अत्यंत जरूरी है। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।